सभी को नमस्कार। कमलचंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत रिट संस्कृत टेस्ट पेपर में आज इस क्लास में टोटल 27 प्रश्न हैं। सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों के आंसर दें और अंत में सभी से गुजारिश है कि आप अपना अमूल्य जो कमेंट है वो लिखें। सबसे पहले आपका नाम लिखें स्वयं का और उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखें और आप कौन से लेवल से हैं, रेड फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, वो लिखें और आपने कितने परसेंट इस टेस्ट पेपर में सही किए हैं वो भी कमेंट करें। तो दोस्तों, आपके जो कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और हम एक आगे टेस्ट पेपर के लिए हम फिर से और मेहनत करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप इस प्रश्न पत्र के अंत में कमेंट अवश्य करें। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि प्रतिदिन आपको हमारा जो ये वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। प्रश्न नंबर एक, रिक्त स्थान विवादेन, ऑप्शन नंबर ए विना, ऑप्शन नंबर बे अलम, ऑप्शन नंबर से दिक, ऑप्शन नंबर दे प्रति। तो दोस्तों, आप पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें और प्रत्येक प्रश्न में आप कौन सा आंसर लगाते हैं, सही गलत का चिन्ह लगाते हुए चलें और अंत में आप अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न का आपको आंसर देना है। आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न का आंसर होगा अलम विवादेना, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दो, संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति, ऑप्शन नंबर ए षट, ऑप्शन नंबर बे सप्त, ऑप्शन नंबर से पंच, ऑप्शन नंबर दे अष्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकारणम इत्याहु कारकाणि षट। तो दोस्तों, कारक कितने होते हैं, षट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर तीन, बालकः रिक्तस्थानं बिभेति, रिक्तस्थानं पूरयत्, ऑप्शन नंबर ए सर्पस्य, ऑप्शन नंबर बे सर्पाय, ऑप्शन नंबर से सर्पात, ऑप्शन नंबर दे सर्पेण। सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर तीन का सही आंसर है सर्पात। भय और भी धातु जो होती है, भयवाचक भी धातु होती है, उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का जो रूप है सर्पात दिया हुआ है पंचमी एक वचन का, इसलिए ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या चार, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति, ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर बे तृतीया, ऑप्शन नंबर से पंचमी, ऑप्शन नंबर द चतुर्थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्य। यह सूत्र कहता है नमः नमः के योग में, स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में उपपद विभक्ति होती है और कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, गुरवे नमः, श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न नंबर चार का ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा, चतुर्थी विभक्ति होती है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इन शब्दों के योग में। प्रश्न संख्या पाँच, स रिक्तस्थान बधिर अत्र रिक्तस्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति, ऑप्शन नंबर ए कर्णाय, ऑप्शन नंबर बे कर्णेन, ऑप्शन नंबर से कर्णात, ऑप्शन नंबर द कर्णस्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब।
इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ब सही आंसर होगा, करणेन। ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, रुच धातु योगे कारकम भवति। ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर ब करणम, ऑप्शन नंबर स अपादानम, ऑप्शन नंबर द संप्रदानम। सही आंसर क्या है जल्दी से आपको कमेंट करना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय, ठीक है, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थान सह बालिका गच्छति। ऑप्शन नंबर ए माता, ऑप्शन नंबर ब मातरम, ऑप्शन नंबर स मात्रा, ऑप्शन नंबर द मात्रे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सह जो शब्द आया है, पद आया है, इसके योग में क्या होता है, सह साकम सार्धम समम इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है, तृतीया होती है। अब तृतीय विभक्ति का कौन सा रूप है, ये मातृ शब्द के सभी रूप दे रखे हैं। यदि आपको मातृ शब्द याद है तो तृतीया के एक वचन में क्या बनता है, मात्रा। ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का सही आंसर होगा। माता एक वचन में बनता है, मातरम प्रथमा एक वचन में बनता है माता, और मातरम द्वितीय एक वचन में, और मातृ चतुर्थी एक वचन में, और मात्रा तृतीया एक वचन में बनता है। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, सह साकम और सार्धम और समम इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ मात्रा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर स। प्रश्न संख्या 8, अभित परित योगे विभक्ति भवति। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर ब षष्ठी, ऑप्शन नंबर स द्वितीया, ऑप्शन नंबर द पंचमी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अभितय परितय समया निकसा हा प्रतियोगे अपि। सूत्र है वार्तिक है दोस्तों, अभितय परितय समया निकसा हा प्रतियोगे अपि, इन शब्दों के योग में अभित दोनों ओर, परित चारों ओर, अभित परित समया पास में, ठीक है, समया निकसा पास में, अभित परित समया निकसा हा, हा के योग में, प्रति, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, रामः रिक्त स्थान रावणम हतवान। ऑप्शन नंबर ए बाणेन, ऑप्शन नंबर ब बाणात, ऑप्शन नंबर स बाणे, ऑप्शन नंबर द बाणस्य। आपका समय प्रारंभ होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रामः बाणेन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, रामः रावणम हतवान, रावण को मारा, ठीक है, रावण को मारा। तो किसकी मदद से मारा, सहायक क्या है, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, मतलब सहायक कौन है मारने में, किसके द्वारा मारा, तो बाण के द्वारा। तो ये क्या है, बाण सहायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बाणेन। प्रश्न संख्या 10, कर्तरी कर्मणो कृति अनेन भवति। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर ब षष्ठी, ऑप्शन नंबर स सप्तमी, ऑप्शन नंबर द तृतीया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, कर्तरी कर्मणो कर्तरी, यह सूत्र कहता है कर्ता कर्तरी और कर्मणि कृति, मतलब ये सूत्र कहता है कि कौन सी व्यक्ति करता है, षष्ठी व्यक्ति करता है, ठीक है, कृष्णस्य कृति। ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, प्रातिपदिकार्थे प्रातिपदिकार्थ मात्रे का विभक्ति स्यात। ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर ब द्वितीया, ऑप्शन नंबर स षष्ठी, ऑप्शन नंबर द तृतीया। अंत में क्या है, तृतीया विभक्ति है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, प्रातिपदिकार्थ
मात्रे का विभक्ति शाद, ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर ब द्वितीय, ऑप्शन नंबर से षष्ठी, ऑप्शन नंबर द तृतीय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, वचन मात्रे, परिमाण मात्रे, इन सभी के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथमा होगा। प्रश्न संख्या 12, लिंग मात्रे का विभक्ति भवती, ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर ब षष्ठी, ऑप्शन नंबर से तृतीय, ऑप्शन नंबर द पंचमी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथमा। प्रश्न संख्या 13, कृष्णः श्री ज्ञानम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति, ऑप्शन नंबर ए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, ऑप्शन नंबर ब लिंग मात्रे, ऑप्शन नंबर से परिमाण मात्रे, ऑप्शन नंबर द वचन मात्रे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से आपको बताना है, आपका समय प्रारंभ होता है 5 सेकंड का। कृष्ण श्री और ज्ञानम ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथम विभक्ति होती है और सूत्र का नाम है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कृष्ण श्री ज्ञानम ये जो तीनों उदाहरण हैं ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और पूर्व में प्रश्न संख्या 11 में जो प्रातिपदिकार्थ मात्रे आया था ये सूत्र का प्रथम पद है प्रातिपदिकार्थ, फिर इसके बाद में है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, पूरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में तो कौन कौन से हो गए, कृष्ण श्री और ज्ञानम हो गए, अन्य उदाहरणों के संबंध में नीचे प्रश्न आएंगे, आपको ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14, संबोधने का विभक्ति स्यात्, ऑप्शन नंबर ए संबोधन, ऑप्शन नंबर ब षष्ठी, ऑप्शन नंबर से सप्तमी, ऑप्शन नंबर द प्रथमा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संबोधने च, संबोधने में प्रथमा विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, अंतरा अंतरेण योगे का विभक्ति स्यात्, ऑप्शन नंबर ए पंचमी, ऑप्शन नंबर ब द्वितीय, ऑप्शन नंबर से षष्ठी, ऑप्शन नंबर द तृतीय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूत्र है अंतरा अंतरेण योगे आभ्याम योगे द्वितीय स्यात्, ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16, अंग विकार योगे का विभक्ति स्यात्, ऑप्शन नंबर ए तृतीय, ऑप्शन नंबर ब प्रथमा, ऑप्शन नंबर से षष्ठी, ऑप्शन नंबर द पंचमी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एनांग विकार, सूत्र कहता है कि शरीर का जो अंग विकृत है उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अंग विकार का उदाहरण आपको बताता हूँ, अक्षणा काणः, यहाँ जो आँख से काणा, मतलब अक्षणा जो शब्द है, काणा किससे है, आँख से है, तो जिस अंग शरीर का जो अंग विकृत है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, तो वहाँ अक्षणा में तृतीय विभक्ति हुई थी, तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17, संप्रदाने का विभक्ति स्यात्, ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ऑप्शन नंबर ब पंचमी, ऑप्शन नंबर से षष्ठी, ऑप्शन नंबर द चतुर्थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, संप्रदाने चतुर्थी, ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्न यदि आते हैं तो आपको विभक्ति और कारक दोनों को मिलाकर के याद करना है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक में कौन सी होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है, कर्म में कौन सी होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है,
ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता में कौन सी होती है, प्रथमा होती है, ठीक है, और कर्म में कौन सी होती है, कर्म में द्वितीय होती है, कर्ता कर्म, फिर करण में कौन सी विभक्ति होती है, करण में तृतीय विभक्ति होती है। बात करें संप्रदान कारक की, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है, चतुर्थी होती है। संप्रदान में चतुर्थी होती है। अपादान कारक में कौन सी होती है, अपादान में पंचमी होती है, ठीक है, और संबंध कारक माना नहीं गया है, लेकिन संबंध में कौन सी व्यक्ति होती है, संबंध में षष्ठी व्यक्ति होती है, और अधिकरण जो कारक माना गया है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है, कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक विभक्तियों को आपने जान लिया है, आप आने वाले इस प्रकार के प्रश्नों को सही कर देंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय धातु योगी का विभक्ति स्यात्। ऑप्शन नंबर ए पंचमी, ऑप्शन नंबर ब षष्ठी, ऑप्शन नंबर से चतुर्थी, ऑप्शन नंबर द प्रथमा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय, इन धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19, भी त्रा धातु योगे का विभक्ति स्यात्। ऑप्शन नंबर ए पंचमी, ऑप्शन नंबर ब सप्तमी, ऑप्शन नंबर से तृतीया, ऑप्शन नंबर द प्रथमा। भी और दो त्रा धातु होती है, भी बह्य अर्थ में, त्रा रक्षार्थ में, इन दोनों धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी नहीं पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जैसे चोरात बिभेति, चोर से डरता है, ठीक है, चोरात बिभेति, तो यहाँ पर डरने का कारण क्या है, चोर है, और ये बिभेति में धातु क्या है, भी धातु है, ठीक है, भी धातु है, तो भी धातु होने के कारण यहाँ जो चोर शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति हुई है, पंचमी व्यक्ति हुई है, चौरात मतलब पंचमी का एक वचन में बनता है। तो इस प्रकार से भी और त्रा धातु होती है, उनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। यदि आपसे कारक पूछा जाए तो कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। आधारः भवति, ऑप्शन नंबर ए द्विधा, ऑप्शन नंबर ब त्रिधा, ऑप्शन नंबर से चतुर्धा, ऑप्शन नंबर द पंचधा। इस प्रश्न का सही आंसर है आधारो त्रिधा, आधार तीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सूत्र आपने पढ़ा होगा आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, और अधिकरण में जो आधार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक औपश्लेषिक, नंबर दो अभिव्यापक, नंबर दो पर है, ये तीन नंबर का है अभिव्यापक, नंबर दो पर है वैसायिक। ठीक है, आधार तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैसायिक, अभिव्यापक, इस प्रकार से तीन आधार माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21। यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र का विभक्ति स्यात्।
ऑप्शन नंबर ए सप्तमी, ऑप्शन नंबर बी षष्ठी, ऑप्शन नंबर सी पंचमी, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोसु दुह्यमानासु गतः। जब संध्या वेला का समय हो जाता है, गाय दुहने का समय हो जाता है, गाय से दूध निकालने का समय हो जाता है, तब गया है। गोसु दुह्यमानासु गतः, जब गाय दूध निकालने का समय होता है उस समय में गया। तो इस प्रकार से यस्य क्रिया क्रिया या क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र का व्यक्ति साथ सप्तमी व्यक्ति होती है वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 यतश्च निर्धारणम, ऑप्शन नंबर इतनेन भवति, ऑप्शन नंबर ए द्वितीय षष्ठी, ऑप्शन नंबर बी तृतीय षष्ठी, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी षष्ठी, ऑप्शन नंबर डी षष्ठी सप्तमी। यतश्च निर्धारणम, जहाँ निर्धारण किया जाता है तो वहाँ विभक्ति होती है षष्ठी और सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, और आपने उदाहरण देखा होगा, पढ़ा होगा, बाल का नाम बालकेशु, रमेशः श्रेष्ठः, या आपने पढ़ा होगा गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा। गवाम गोसु गायों में से, कृष्ण मानी काली गाय, बहुक्षीरा मानी बहुत दूध देने वाली होती है। ठीक है, तो वहाँ गवाम और गोसु जो शब्द है उन दोनों में क्या है, गवाम में षष्ठी है और गोसु में क्या है सप्तमी है। इस प्रकार से यहाँ निर्धारण अर्थ में क्या होता है षष्ठी और जो सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दे षष्ठी सप्तमी विभक्ति। प्रश्न संख्या 23 मोहना रिक्तिस्थान खंजे वर्तते, रिक्तिस्थाने भविष्यति, ऑप्शन नंबर ए पादात, ऑप्शन नंबर बी पादेन, ऑप्शन नंबर सी पादस्य, ऑप्शन नंबर डी पादयो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा खंजे मतलब लंगड़ा है पैर से, तो एक पैर से होता है लंगड़ा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये नांग विकार है सूत्र के द्वारा, जो शरीर का विकृत अंग है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ खंजे मतलब लंगड़ा क्या है, पैर से लंगड़ा है मतलब शरीर का अंग कौन सा विकृत है, पैर है, तो पैर को हम संस्कृत में पाद कहते हैं, और पाद की तृतीय एक वचन में क्या बनता है, पाद शब्द से पादेन बनता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 कारक है नास्ति, ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी करणम, ऑप्शन नंबर सी संप्रदानम, ऑप्शन नंबर डी संबंधम। अभी पूर्व में आपको मैंने समस्त कारक बताए थे और कारकों में होने वाली विभक्ति के बारे में बताया था। आपको इस प्रश्न का आंसर सही देना है, और लगभग मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया होगा। कर्म कारक होता है और इसमें द्वितीय व्यक्ति होती है, करण कारक होता है इसमें तृतीय व्यक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है इसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, और संबंध को कारक नहीं माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और मैंने आपको एक श्लोक बोल करके बताया था, कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम च इत्याहु कारकाणी षट। तो यहाँ पर कर्ता कर्म और करण तीनों कारक माने गए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, संप्रदानम तथैव च और संप्रदान को कारक माना गया है, अपादानम अधिकरणम अपादान और अधिकरण ये दोनों को कारक माना गया है। इस प्रकार से छह ये कारक माने गए हैं, इनमें कहीं पर भी संबंध को कारक नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 25वां तट तटी तटम इत्यत्र प्रथमा विभक्ति भवति, ऑप्शन नंबर ए प्रातिपदिकार्थ मात्रे, ऑप्शन नंबर बी लिंग मात्रे, ऑप्शन नंबर सी परिमाण मात्रे, ऑप्शन नंबर डी संख्या मात्रे। सही आंसर क्या है जल्दी से आपको बताना है, आपका समय प्रारंभ होता है।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा तट, तटी और तटम। तट पे पुल्लिंग है, तटह या विसर्ग आएगा, ठीक है, तटह और तटी और तटम। तटी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है और तटम जो है नपुंसक लिंग में है। इस प्रकार से एक शब्द तीनों लिंगों में है, तो लिंग मात्रा दिख के ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा तटे, तटी और तटम। प्रातिपदिक अर्थ मात्र के उदाहरण आपने पूर्व पढ़ लिए हैं, श्री कृष्ण, श्री और ज्ञानम। परिमाण मात्र में उदाहरण है द्रोणोब्रीही, और संख्या मात्र में है एक, दो, त्रयः, चत्वारः, इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 26, हरि रिक्त स्थान अधिशेते, ऑप्शन नंबर ए वैकुंठम, ऑप्शन नंबर बे वैकुंठे, ऑप्शन नंबर से वैकुंठेन, ऑप्शन नंबर द वैकुंठात्। सूत्र है अधि सिंहस्थासाम कर्म, अधि सिंहस्थासाम कर्म क्या है दोस्तों? अधि सिंहस्थासाम कर्म, ये सूत्र कहता है अधिपूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो और स्था धातु हो तो इनके इनके आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ हमको अधि उपसर्ग मिल रहा है और सिंह धातु मिल रही है सोने अर्थ में अधि सेते, ठीक है। तो अधि सेते में अधि तो उपसर्ग मिल गया है और सी धातु मिल गई है, तो इसके जो आधार है, इसका जो आधार है उसमें क्या होगी, उसमें क्या होगा, उसकी कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ आधार क्या है? वैकुंठ है, और वैकुंठ में कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप कौन सा है? वैकुंठांत तो पंचमी का बनता है, वैकुंठेन तृतीय एकवचन का है, वैकुंठे चतुर्थी एकवचन का है, और वैकुंठम ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि क्या है, द्वितीय के एकवचन का रूप है। तो यहाँ सही वाक्य बनेगा हरि वैकुंठम अधिसेते। अगर यहाँ अधिसेते की जगह अधितिष्ठति आता है तो भी क्या करोगे आप? यहाँ वैकुंठम ही होगा, क्योंकि क्योंकि अधि और सिंह, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और इस्था जो धातु होती है उन दोनों के योग में क्या होता है? कर्म संज्ञा होती है, और आधार को कर्म संज्ञा होती है, और उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैकुंठम। प्रश्न संख्या 27, रिक्त स्थान कुटिला नदी, ऑप्शन नंबर ए क्रोसेन, ऑप्शन नंबर बे क्रोसात, ऑप्शन नंबर से क्रोसम, ऑप्शन नंबर दे क्रोसे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा काला द्विनोर अत्यंत संयोगे। काल और मार्गवाचक, कालवाची जो शब्द होते हैं और जो मार्गवाची जो शब्द होते हैं उनका यदि अत्यंत संयोग हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। क्रोसम कुटिला नदी ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। सूत्र कहता है कालवाची जो शब्द होता है और या मार्गवाची जो शब्द होता है उन दोनों में क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। कब होती है? यदि अत्यंत संयोग हो। तो यहाँ क्रोसम मतलब कोस बर्तक, कुटला मनी टेडी, नदी वन नदी, नदी है टेडी, कहाँ तक है? कोस, एक कोस तक, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मार्गवाची शब्द का संयोग है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या हुआ है इस प्रश्न में, क्रोसम में क्या हुई, द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अवश्य कमेंट करें और अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना लेवल जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, और आपने कितने नंबर अचीव किए हैं इस टेस्ट पेपर में, कितने प्रश्न सही किए हैं, उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। धन्यवाद दोस्तों।